डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कौम को मुबारकबाद कि कौम ने एक बार फिर से बड़ा मारका सर किया। ये मारका महंगाई के हवाले से नहीं है, ये मारका आम आवाम के लिहाज से नहीं, ये मारका है अशराफिया के लिहाज से। ये मारका है उन हुक्मरानों के हवाले से जिन्होंने साला साल पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की, केसेस साबित हुए, केसेस के ऊपर सजाएं हुई और एक बार फिर से केसेस में वो बरी हुए। ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत के लिए नई बात नहीं, माजी में भी इस तरह के काफी सारे वाकयात देखने में आया और एक बार फिर से ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नरमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले तक जो मौजूदा हुकूमत से पहले हुकूमत खान साहब की, वो अक्सर अपनी तकरीरों में जलसों में कहा करते थे कि एनआरओ 2 की कोशिशें की जा रही हैं। कहा जाता है कि इनके केसेस माफ कर दिए जाए और कुछ सूरत हाल वैसी बनती हुई भी नजर आई कि अब जब से हुकूमतें तब्दील हुई, जब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, जब से पीडीएम जमातें हुकूमत में शामिल हुई, तब से लेके अब तक केसेस में नरमी और नैब के हवाले से कवानीन में तरामीम का सिलसिला जो जारी था वो अब तक थम ना सका। आज भी एक बड़ी पेशरफ हुई और इस हवाले से ये देखने में आ रहा है कि आला अदलिया की जानिब से जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा मेलो डाउन नजर आती है। जहां पे एक जानिब खान साहब को गुज़श्ते दिनों में रिलीफ मिलता हुआ नजर आया, तो वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बड़े केसेस में बहुत बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और कुछ जरा तस्करा करेंगे सिंध की सैलाबी सूरतेहाल का भी। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब प्रदीप कुमार साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खासतौर पर उमरकोट से तशरीफ लाए। साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में जनाब सलमान अहमद साहब, तजियाकार हैं, और साथ में हमें ज्वाइन करें जनाब नासिर अजीम खान साहब, कानूनदान हैं और कानूनी माहिर हैं। इनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो कल हमने देखा कि केसेस में तब्दीली हुई और आज भी खान साहब के हवाले से एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आया, ये क्या सूरत हाल है? नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, केसेस आपने देखे, कल मरियम नवाज साहिबा को, कैप्टन सफदर को एक तरीके से क्लीन चिट मिल गया, वो केसेस जिनमें कन्विक्टेड थे, अब वो केसेस में वो बिल्कुल बरी जिम्मा है और बाइज्जत तौर पर बरी भी कर दिया गया। पहले केसेस की नौयत क्या थी, जरा ये समझा सके हम आप। जी मुनीर साहब, आपको याद हो कि जीआईटी रिपोर्ट आई थी और उस वक्त के जो चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान साहब थे, इन्होंने अपनी जो रेफरेंस बनाया था उसमें क्लॉज छोड़े थे और रेफरेंस बनाते हुए उन्होंने ये बात इसमें क्लियर नहीं की थी कि इनकी आमदनी कितनी और जायदाद कितनी। और जब इनसे सवाल किया गया कि आप ये बता सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी की, इस जायदाद की कहने के वैल्यू क्या है, तो वो बात उन्होंने गूगल पे शिफ्ट कर दी थी, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। और जो केस का जो नौयत थी, जो सबसे अहम बात ये है, आपको ये बात पता होनी चाहिए और व्यूअर्स को, लिसनर्स को और आपके पैनल को भी, कि केस को प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूट करती है और प्रोसिक्यूटर इसको लेके चलते हैं। नैब ने इसको साबित करना था, इनके खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया था नैब की जानिब से, जो एवन फील्ड रेफरेंस था जिसमें मरियम नवाज साहिबा को बरी किया गया, इस सिचुएशन में और इस हालात में नैब केस लड़ नहीं सकी ठीक तरीके से, नैब साबित नहीं कर सकी उनके साथ। नासिर साहब, अगर मैं नैब की जो कानूनी तरामीम का तस्करा करूं, अगर ये नई तरामीम जो की गई है नैब के हवाले से, अगर ये वो ना की गई होती तो नैब की पोजीशन फिर भी यही होती या मुख्तलिफ होती? सर बिल्कुल, आप मतलब फरमा रहे हैं कि सेक्शन 14 को ओमिट कर दिया गया था और उसमें ये था कि जो बर्डन होता था पब्लिक होल्डर्स ऑफिस पे, वो ये बताने पे पाबंद थे कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है और उनकी आमदन कितनी है। जब तरमीम की गई तो सेक्शन 14 को ओमिट कर दिया गया था और उसके मुताबिक आप ठीक फरमा रहे हैं कि काफ़ी सारा फायदा हुआ है जो कि मौजूदा रेफरेंस था मौजूदा। और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तरामीम गुज़िश्ता चंद दिनों में की गई है मौजूदा हुकूमत की अंडर। बिल्कुल ऐसा ही है, तरमीम तो देखें पार्लियामेंट कर सकती है और पार्लियामेंट इसकी मजाज है, 2/3 मेजोरिटी है। देखें गलती कहाँ पे है मीर साहब, मैं फिर बात करूंगा। जी जी, ये खान साहब के पास कॉम्प्रिहेंसिव सीट्स मौजूद थी, खान साहब के पास अच्छी खासी तादाद मौजूद थी कि जो अपोजिशन करते पार्लियामेंट में बैठ के,
कोई ऐसे कवानीन आते जिससे वो समझते कि ये हुकूमत फायदा लेने की कोशिश करेगी या फायदा ले सकती है या इनडायरेक्टली कानूनी एतबार से फायदा हो सकता है, तो वो उसको रिजेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, और पार्लियामेंट में कानून साजी, इस तरह की कानून साजी पे जिसको आज वो NRO का नाम देते हैं या कोई भी बात करते हैं, तो उसको पार्लियामेंट में बैठ के रोकते। जब आपने पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजी में हिस्सा ही नहीं लेना, कानून साजी को वीटो ही नहीं करना, कानून साजी को रिजेक्ट नहीं करना, तो फिर बाहर बैठ के तो मैं समझता हूँ खान साहब भी बराबर के जिम्मेदार। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ नासिर साहब आपकी जानिब। प्रदीप साहब, सूरत हाल आपके सामने भी वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी भी इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। कहा तो ये जा रहा है कि जो तमाम तर तब्दीलियां हुई कानून में, आईनी तब्दीलियां जो की गई, उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है और बेनिफिशियरी भी हो सकती है आने वाले दिनों में। और ये जो केस जो मरियम नवाज साहबा के हवाले से बनता हुआ दिखाई दिया, इसमें वो अब बाइज्जत तौर पर बरी हुई, क्या ये केसेस में बरी हो जाना, ये आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत को या पाकिस्तान की मौजूदा जमहूरियत को आगे ले जाएगा? देखें, पाकिस्तान में, पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है जमहूरियत की, और हमारी जो भी रेस्पेक्टेबल कोर्ट्स हैं वो इन चीज़ों को बड़ी अच्छे से समझते हैं। पाकिस्तान जिस चौराहे पे आज खड़ा है, जिस जगह पे खड़ा है, वहाँ पे अब एक तनख्वाह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे कोर्ट्स का मैटर आता है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की है, उनका ऑनर दिया है, उनके हर डिसीजन पे लबैक किया है। और अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज भी पीपल्स पार्टी के हैं, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो से लेके हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पे कितने केसेस थे आप सबने देखा था। लेकिन वो उस टाइम के केसेस थे जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, वो बिल्कुल पॉलिटिकली एक दूसरे के अगेंस्ट थे। नवाज शरीफ साहब ने कोई कहीं कमी नहीं छोड़ी थी। आज तो भाईचारा है, आज तो दोस्ती है। देखें, सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता, और मैं समझता हूँ, मैं एक न्यूट्रल पाकिस्तानी होकर बताऊँ तो ये पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हम ये वक्त सियासत का नहीं है, ये मुल्क बचाने का है। लेकिन प्रदीप साहब, अगर मैं ये समझना चाहूँ, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कानून बनाने की होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कड़ा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, ताकि लोग जुर्म करने से डरें। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कानून में तरामीम हुई, उसको भी कहा गया जब तरामीम की जा रही थी कि ये तरामीम पाकिस्तान को पीछे ले जा सकती है, पाकिस्तान में मौजूदा केसेस के ऊपर असर अंदाज हो सकती है, तो उस वक्त इस बात से इनकार किया गया। आज तो इस तमाम सूरतहाल का अमली नमूना देखा जा रहा है कि वो केसेस जिनमें सजाएं हो चुकी थी, अब वो सजाएं खत्म होके उनको बाइज्जत तौर पर बरी किया जा रहा है, और फिर साबित करने की जो जिम्मेदारी वो भी इदारों के ऊपर है कि वो साबित करें कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पार्लियामेंट की अगर आप बात करेंगे, उसके पावर्स की, आसिफ अली जरदारी का जो टेन्योर था पूरा, उसमें पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पार्लियामेंट से वो काम लिया गया जो आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। आपके प्रेसिडेंट के पावर्स, प्राइमरी भी को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, और सूबाई खुद मुख्तियारी, असल में सूबाई खुद मुख्तियारी बहुत बड़ा एक चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया था। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को वहाँ पे इन्होंने उसको उससे काम लिया, और चारों सूबों को जो उनका बनता है। लेकिन प्रदीप साहब, अगर मैं माजी की बात देखूँ, माजी में अक्सर इस तरह के इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर लगाए, नून लीग में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। आज अगर ये केसेस से बाहर हो जाते हैं, चलिए ये तो वक्ती तौर पर कह सकते हैं कि सेटलमेंट है कि इस वक्त मुल्क बहरानी कैफियत का शिकार है, तो वक्ती तौर पर जमहूरियत की बका के लिए आप लोग एक साथ इकट्ठे बैठ गए, जो आपके अक्सर लीडरान भी कहा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकफ को भी डेंट नहीं पहुंचा रहा कि जो स्टांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था आज, दरअसल वो भी उसकी भी नफी हुई कि नून लीग के ऊपर करप्शन के इल्जाम आते, अब उससे बरी होते हुए नजर आ रहे। जो फिलो भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया था, जो पीपल्स पार्टी का जो वे ऑफ था पॉलिटिक्स, वो थोड़ा सा नवाज लीग
अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लिया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और जब हालात ऐसे हो गए, जब हालात ऐसे हो गए कि अगर अभी कुछ भी करेंगे तो उससे मुल्क की बका के लिए नुकसान है, मुल्क की बका के लिए नुकसान है। और मुल्क की बका के लिए इंसाफ की कुर्बानी जायज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्की हालात यकीनन तारीख के बदतरीन बहरान से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। माशी बहरान है, सैलाब तारीख का, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस्लामाबाद वाले भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। इमरान ख़ान साहब को असेंबली में रहना चाहिए था। जो तरामीम हुई हैं कवानीन में उसमें यकीनन एक वही रास्ता था। जमहूरियत की अगर आप बात करते हैं तो असेंबली में ये चीज़ें सेटल होती हैं, वो वहाँ उसे अपोज कर सकते थे, ना कि अब वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि ऐसा हो गया और इस तरह हो गया तो वो उसके लिए उन्हें दोबारा असेंबली में जाना पड़ेगा। वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ उन्हें अपोज करना चाहिए था। यकीनन इसमें फेवरेटिज्म हुआ है और इस फेवरेटिज्म को ख़त्म करने का तरीका इमरान ख़ान साहब ने को वहाँ होना चाहिए था। वो अगर वहाँ होते यकीनन इसको अपोज करते। मुल्की हालात ज़रूर इस वक्त हैं, मेरे ख्याल इस वक्त मुल्की हालात को पहले मद्दनज़र रखा जाए। जो हालात हैं मुल्क के और आवाम के और गरीब आवाम के ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर सिंध की आवाम के, मैं समझता हूँ कि पहले मईशत पे मिसाक़े मईशत साइन होना चाहिए, उसमें तय होने चाहिए। मगर उसकी आड़ में जो भी फैसले हो रहे हैं वो बाज़ाहिर गलत हैं, लेकिन इसकी आवाज़ असेंबली में ही उठाई जा सकती है, ना कि अब उसको आप करें। एक लीगली अगर एक चीज़ अप्रूव हो रही है, ठीक है, अभी नैब के पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो गया है, अभी फैसला आना बाकी है। उसके बाद एक महीना नैब के पास होगा, वो अपील कर सकता है। तो मैं समझता हूँ उन्हें अपील करना पड़ेगी, करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कोशिश करें किसी तरीके से जमहूरियत के रास्ते पर आएँ। जमहूरियत ही इन चीज़ों का हल है। मैं एग्री करता हूँ भाई की बात से कि जमहूरियत, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को परवान चढ़ाया अपने वक्त में। जरदारी साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं, पार्लियामेंट से हट के आप कोई भी चीज़ जो है नहीं कर सकते, ये बात सही है। लेकिन नासिर साहब, अगर मैं एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहूँ, अक्सर लोग कह रहे हैं कि इस केस को इस वक्त जो नॉक ऑफ किया गया है, कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्राउंड भी मौजूद था, कहीं ना कहीं इस तरह का सुकम भी पाया जा रहा था कि शायद इस केस में उस तरीके के मामला को कवर नहीं किया गया जिसकी वजह से केस डिसमिस हुआ और मरियम नवाज साहिबा के हक में केस का फैसला आया। आगे आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, नैब के पास क्या गुंजाइश है? क्योंकि मैं वजीर आला पंजाब के तर्जुमान की जानिब से सुन रहा था कि वो इस केस को दूसरे एंगल से परस्यू करने का सोच रहे हैं, क्या इसमें मजीद कोई गुंजाइश है कि आने वाले दिनों में कुछ होता हुआ नजर आएगा? अपील तो नैब ही कर सकती है कि रेफरेंस नैब ने बनाया था, और जो जो इनिशियल वर्डिक्ट आया इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, अगर आप इजाजत दें तो वो जी जी 4 से 5 लाइनें में आपको पढ़ देता हूँ। बिल्कुल पढ़ दे। या जो तफसीली फैसला है वो आना भी बाकी है। उसमें लिखा हुआ था कि फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर द इंस्टेंट अपील इज अलाउड and the judgment dated so and so is set aside to the extent of appellant. Sahi. Namely, Maryam Nawaz, consequently the conviction awarded is set aside and the above named appellant is acquitted of the charges on against her in reference number so and so. Sahi. जो कि 2017 में बनाया गया। बिल्कुल ठीक। और ये एवन फील रेफरेंस था जिसमें मरियम नवाज साहबा को बरी कर दिया गया। अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाजत दें तो मैं इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दूं कि केस कौन सा था। एवन फील्ड वाला, इन पे एलिगेशन ये आया था जो आयरलैंड में नेल्सन एंड एस्कॉम कंपनी थी उस पे इनके बेटे की जानिब से पहले ये बात की गई थी कि वो ऑनर हैं, बेनिफिशियल ऑनर हैं। उसके बाद जाके उनको एक ट्रस्ट डीड के जरिए ट्रस्टी बना दिया गया था कि ये ट्रस्टी हैं इस कंपनी की। अब आपके सवाल को देखूं और आगे जो आप चाह रहे हैं कि मैं बात इस हवाले से करूं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपीलांट इस वक्त हो सकते हैं हायर फोरम में, वो है नैब के अलावा कोई प्राइवेट पार्टी इसमें अपील नहीं कर सकती। गवर्नमेंट पंजाब का इसमें कोई किरदार हो सकता है नासर साहब? ये रेफरेंस बनाया गया था वफाक की जानिब से। सही। तो
वही इसको आगे अपील में लेके जा सकते हैं। और वफाद में अगर हुकूमत, अगर मौजूदा हुकूमत की को देखे तो शायद ये सूरत हाल आने वाले दिनों मुमकिन नजर नहीं आती। सर ये तो अब इदारा क्योंकि खान साहब का एक नारा था कि खान साहब तमाम इदारों को आजाद करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, नैब में रिफॉर्म्स लाएंगे, FIA में रिफॉर्म्स लाएंगे, तो वो रिफॉर्म्स जारी बातें छोड़ के 4 साल में तो गए होंगे। तो वो अब तो नैब के इदारे ने ही आगे अपील करनी है, उसके अलावा तो मैं समझता हूँ जबरदस्ती तो नहीं हो सकती कि आप मेरे खिलाफ मदई हो तो अगर केस आपके तो आपके तो नहीं की जा सकती। ठीक हो गया, को देखते हुए इस केस को फिलहाल डिसमिस किया गया और जो सजा है उसको डिसमिस किया गया, क्या आने वाले दिनों में किसी भी तौर पर गुंजाइश पैदा हो सकती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो केसेज है, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो केसेज है, या जिन तमाम मामला के ऊपर है वो भी उसमें भी कुछ नरमी हो सके, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम एक सवाल छोड़े गए थे कि पाकिस्तान में आला अदलिया की जानिब से इस वक्त जो केसेस की सुनवाई हो रही है, जो केसेस की पैरवी की जा रही है जिस अंदाज में, उसमें कहीं ना कहीं सुकून पाया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन के अमल की बात करें तो वो उस लिहाज से तगड़ा नजर नहीं आता कि वो किसी भी तौर पर किसी को सजा दिलाने के लिए काबिल हो। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो केसेस बनाए जा रहे हैं उसमें काफी सारे लकुनास नजर आते हैं, जिसकी वजह से किसी के ऊपर भी जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो उससे बहुत ही बासानी तरीके से बाइज्जत बरी हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे जो केसेस बनाए जाते हैं, जो सालों मेहनत की जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है, जो नतीजा होता है, वो 0/0 होता है। लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए और जो हवाओं का रुख जो तब्दील हो रहा है, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ सकते हैं? उनके ऊपर जो इल्जाम हैं, जो चार्जेस हैं, क्या ये भी मिसाक जमहूरियत या मिसाक मीशत की नजर होते हुए ये केसेस के ऊपर कुछ और फैसला आना मुमकिन है या नहीं? सलमान साहब, एक बड़ी रिलीफ तो मिल गया पाकिस्तान मुस्लिम नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी जो उनके ऊपर केसेस हैं करप्शन के अदवार से, जो दीगर मामला में इन्वॉल्व किया जाता है, उससे भी वो बरी हो जाए। लेकिन क्या ये तमाम तो सूरत से अगर अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, इससे आम आवाम की जिंदगी पे क्या तब्दीली आएगी? देखें, इसका बराह रास्त फायदा मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा है और नवाज शरीफ साहब की वापसी के रास्ते हमवार हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं, हो चुके हैं वट एवर आप इसमें जो भी इसमें शामिल कर लें, यकीनन उनकी वापसी अब मुमकिन होती जा रही है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये जितने भी केसेस इस वक्त हो रहे हैं, जो मरियम नवाज का जो केस आया है वो PDM को नहीं हुआ है मगर मुस्लिम लीग नून को हुआ है। और मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को जो पहले इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, बहुत सारी पाबंदियां थी, बहुत सारी चीज़ें थी, अब वो खुल के बहुत सारे काम वो कर सकती हैं। हाउएवर, जहां तक आगे का ताल्लुक है, यकीनन देखें अब तक हमें एज ए ऑब्जर्वर एक मुहिम चलाई गई थी महंगाई के ख़िलाफ़, या जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुल्की हालात ऐसे हैं, तो इसी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई थी, मूवमेंट चलाई गई थी महंगाई मुकाओ मार्च वगैरह, लेकिन वो अब चीज़ें कुछ पस मंज़र में चली गई और उसके बाद सारी एफर्ट्स जो हुई वो सिर्फ इसीलिए होती नजर आई कि आया इन केसेस से किसी तरीके से जो है वो रास्ता बनाया जाए और उसके बाद जो है वो रास्ता हमवार करा जाए, जो जिसमें हालात के तहत मुझे तो कामयाबी होती हुई नजर आ रही है। और इसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को होगा। मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा तो प्रदीप साहब, मुस्लिम लीग नून तो आपके सियासी मुखालिफ रहे सालों से और आगे चल के भी अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आमने सामने मुकाबला करना है। अगर ये तमाम तर केसेज मुस्लिम लीग नून के ऊपर से हट जाते हैं, इल्जाम से बरी हो जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी एक तहरीक रही है सालों के ऊपर, उसका भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी असर हो। देखें, शहीद मोहतरमा ने नवाज शरीफ साहब के साथ मिसाक के जमहूरियत साइन किया था और पीपल्स पार्टी की जो भी
सी सी है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और चेयरमैन साहब, इनका बिल्कुल उस चीज़ पे फोकस है कि वी विल हैव टू फॉलो दैट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मोहतरमा ने किया था इन सेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बका के लिए। चार्टर डेमोक्रेसी के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाने नहीं छोड़े थे जब तक बीबी मौजूद थी, आसिफ अली जरदारी साहब जब मौजूद थे। ये तो सूरत हाल अब बदली है पिछले 2 से 4 सालों के अंदर। नहीं, एक असल में बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून है वो एक प्योरली पीपल्स पार्टी की हरीफ पार्टी रही है। ठीक है, पीपल्स पार्टी अगर आप पीछे जाएंगे तो पाकिस्तान की वाहिद जो उस टाइम से लेके 70s से लेके अगर कोई सियासी पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी है। सही। और जिन एक वाहिद पार्टी है जिनकी कुर्बानियां हैं, बाकी कारकुनान तो सब सवाल ये है कि कहीं खान साहब से मुकाबला करते करते आपने दूसरा सियासी हलीफ तो फिर तैयार नहीं कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के ये जो फैसले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा दें? पाकिस्तान सबसे पहले, अगर खान साहब रहते हैं तो खान साहब ने जो 4 साल में पाकिस्तान का हशर किया है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो हशर किया है, आज दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, आज दुनिया में हम बिल्कुल तन्हा हैं। बिलावल साहब ने कुछ 3-4 महीने 5 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया एज ए फॉरेन मिनिस्टर। आप 4 साल एक्स फॉरेन मिनिस्टर की परफॉर्मेंस देख लें, 3-4 महीने इनकी परफॉर्मेंस देख लें, आपको एक वाज़े बहुत बड़ा प्रोफेशनल और फ़र्क नज़र आएगा। किसी भी मुल्क के लिए चलाने के इमरान, आई एम सॉरी टू से, इमरान खान साहब के पास कोई अच्छे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, इमरान खान साहब के पास कोई अच्छी टीम नहीं थी, शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, पूरा पाकिस्तान देख चुका है। मैं सवाल कर रहा हूं, आपने ख्याल में क्या है? देखें, एक मेंबर क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के भी फॉरेन मिनिस्टर है ना माजी में, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल 2008 में जब पीपल्स पार्टी वफाक में थी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद साहब थे। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि हमेशा कमांडर जो है ना आपकी टीम का, आपका टीम का कैप्टन जो है ना वो मैटर करता है बहुत बड़ा। यहाँ पे कैप्टन आसिफ जरदारी था, वहां पे कैप्टन इमरान खान था। कप्तान बदलता है, कप्तान बदला है, कप्तान बदलने से परफॉर्मेंस चेंज होती है। कप्तान का तस्करा करते हैं, नून लीग का सब कप्तान सब मुल्क से बाहर है। नासिर साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफी ज्यादा कमजोर किया और हमने देखा कि सियासी मैदान में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस तरीके के नतीज नहीं डिलीवर कर सकी जो शायद माजी में मुस्लिम लीग नून से एक्सपेक्ट किए जाते थे। क्या मौजूदा सिनेरियो के चलते हुए अब ये बहस छिड़ गई है कि मरियम नवाज साहिबा के अगर केसेस में उनको बाइज़त बरी किया जा सकता है कि, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले साहब के हवाले से भी उस तरह के कुछ मामला हो सकते हैं? मुनीर साहब, बिफोर टाइम अगर कोई अपील ना आए सामने या कोई अपील फाइल ना हो या फाइल किसी भी मुलजम की ओपन ना हो ऑनरेबल कोर्ट में, मैं समझता हूँ इसको एज्यूम करना नहीं, कानूनी रास्ता मौजूद है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर फिल वक्त तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जाके कोई रास्ता बन गया, लेकिन फिल वक्त बजाय इस तरह का कोई रास्ता कानून इसके लिए आपको लगता है कि कोई कानून में तरामीम करनी होगी? सर हो सकता है पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, लेकिन जो कन्विक्शन हुई हुई है इसके बाद जाके मैं समझता हूँ कानूनी रास्ता मौजूद है। तो कन्विक्शन तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मरियम नवाज साहिबा की भी हुई हुई थी ना एहतसाब अदालत से। सर अगर आप फाइल स्टडी करें ना जी, तो दोनों की रेफरेंसेस में, दोनों की कन्विक्शन में और फाइल के सिनेरियो में, फाइल की सिचुएशन में एक डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस है। एज लॉयर मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब फाइल को स्टडी करते हैं उसमें जो फ्लॉज होते हैं उसके मुताबिक जाके अपील फाइल होती है। मरियम साहिबा के केस में अपील फाइल हुई होगी तो उसमें फ्लॉज मौजूद थे जो कि एक अदद मैंने आपसे जिक्र भी कर दिया कि जब रेफरेंस फाइल किया गया था तो उसमें चेयरमैन नैब की जानिब से ये बात क्लियर नहीं की गई थी कि उनकी आमदन कितनी है और उनकी प्रॉपर्टी कितनी है या उसके बाद प्रॉपर्टी कितनी बनी है या कितनी बनाई गई है या उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मियां साहब की फाइल में भी कोई ऐसे फ्लॉज वगैरह मौजूद हों
और फाइल स्टडी की जाए तो उनकी जो कानूनी माहिरीन है वो फिर ज्यादा बेहतर इस बारे में बात कर सकें। मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में कब गुंजाइश निकल आई ये बात का कहा नहीं जा सकता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर फिल वक्त तो नहीं है, फिल वक्त नहीं है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कब कहां गुंजाइश निकला है, कब कहां कानून में तरामीम हो जाए, कब कहां पे नरमी हो जाए, तो उसका कहना कुछ भी कबल वक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का, आपने यकीन तौर पर बड़ी जबरदस्त मायराना राय दी। लेकिन प्रदीप साहब ये सवाल तो होगा ना, कानून हम देखें तरामीम हो रही है, ये कानून आम आवाम के मफाद के नहीं बन रहे, ये कानून अशराफिया के लिए बन रहे हैं, ये कानून उन सियासी लीडरान के लिए बन रहे हैं जो शायद आवाम को जवाबदेह होने चाहिए थे। आज अगर वो तमाम तौर पे बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं, नैब अगर उनको तमाम तर सूरत हाल से नहीं भी कामयाब हो पाता कि उनके पास कहां से क्या वसाइल से पैसे आए, फिर भी एक इखलाकी जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून पे या मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बनती है कि वो अपनी पोजिशन को आवाम में आके क्लियर करें। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क को ट्रांसपेरेंट और अच्छा रहने के लिए, जब तक हमारे अदलिया, हमारे इंसाफ के तराजू, हमारे वो सर अदलिया ने तो उस तरीके से फैसला करना ना जो कानून तय किया जाएगा, कानून तो आप लोग बनाते हैं, अदलिया तो उसको फॉलो करती है, उसके इंटरप्रिटेशन के रूप में फैसला कर देती है। पास्ट प्रैक्टिस सारी आपके सामने है, पास्ट प्रैक्टिस में क्या हुआ है, आज अगर हम आज पाकिस्तान 47 में जैसे हम आज़ाद हुए हैं, आज पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, इंडिया की क्या है, 72 में बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश आज कहाँ है, हम कहाँ हैं, डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का आ रहा है, वो है इंसाफ। सर डिफरेंस इस चीज़ का नहीं आ रहा कि पिछले 30 सालों में दो जमातों की हुकूमत रही, बारी बारी, कभी एक जमात की तो कभी दूसरी जमात की, डिफरेंस ये नहीं आया कि सुबह सिंध में जहाँ पे इस वक्त सैलाब से पूरा सूबा डूबा हुआ नजर आता है, उधर गुज़िश्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, डिफरेंस ये भी तो आना चाहिए। देखें, अगर आप सैलाब की बात करेंगे, सैलाब सर सैलाब आने से पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी थी वो भी आप बेहतर अंदाज से जानते प्रदीप साहब, आपसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं। आपको पता है जो जरदारी साहब ने जब NFC अवार्ड अनाउंस किया था, एक अवार्ड के बाद सिंध को आज तक उसका हिस्सा नहीं मिला है। जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे, उस दौर के बाद मुस्लिम नून का भी दौर था, नून का दौर उसके था। बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, और अब 5 महीने से फिर आप अपनी आप हुकूमत का हिस्सा हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन आज तक किसी न किसी वजह से वो हिस्सा सिंध को नहीं दिया गया। हम ऑलरेडी एक मसलों में उलझे हुए थे, ऊपर ये जो अजाब की सूरत में ये जो सैलाब आया है, इसने बैडली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा इकोनॉमी, हमारी एजुकेशन, और सबसे ज़्यादा जो मसला हुआ है ना, वो हुआ है एग्रीकल्चर का और इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ नुकसान, और यकीन तौर पे सैलाब के बाइस काफ़ी बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान हुआ। इसके बाद प्रोग्राम में बात करें खासतौर पर सुबह सिंध के, क्योंकि सिंध में वैसे भी हम देख रहे थे कि तामीर और तरक्की उस अंदाज से नहीं थी, और फिर सैलाब ने सिंध को ना जाने कितने साल मजीद पीछे धकेल दिया। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाओ। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।